पास हुआ मैं भी सोच रहा हूँ एक बार वन शॉट बना दूं। है ना? तो समझ कैसे आता है वो तुम्हें? वो वन शॉट से बस तुम्हें ये पता लग जाता है टॉपिक क्या आएगा, रट लेते हो, है ना? ओए क्या कर रहा तू? मसा वसा करके आता क्या? देखिए ऐसा है, चैप्टर का नाम है डी एंड एब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंटरेस्टिंग नहीं था? फिर तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगेगा? चुटकुले तोड़ने लगेगी हम स्टेप अपनी बुक के अंदर। भैया तो पढ़ाने की चीजें आएंगी लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं समझने वाली हैं। अब ऐसा है, फुल फॉर्म में भाई आयुष कौच, चलो एक क्लास बस भाई बोर्ड पे। देखिए बच्चों ऐसा है, आपके फर्स्ट टर्म में 7 चैप्टर आ रहे हैं जिनमें से मैं 6 चैप्टर करवा चुका हूँ। 7वां चैप्टर डी एंड एब्लॉक एलिमेंट है। चैप्टर संख्या ये बेसिकली 4 होगी, चौथा चैप्टर होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर। हम कर रहे हैं 7वें नंबर पे एक तरीके से, ठीक है? 8 या 9 नंबर का चैप्टर होगा, कहीं ना कहीं वेटेज की काफी अच्छी होती है चैप्टर की। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, लर्निंग थोड़ा ज्यादा रहेगा इसके अंदर। और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो मैं इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल भी इंट्रोडक्टरी पार्ट से नहीं कर रहा हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें से एक भाग एस ब्लॉक एलिमेंट्स था, एक भाग पी ब्लॉक एलिमेंट्स था, बीच में एक भाग आता है जिसमें हमने स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाली सीरीज पढ़ी जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर द, भैया जो बीच में पढ़े नहीं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना। ऐसी जो बीच में लास्ट में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स रखे हुए ना, पीरियोडिक टेबल से बाहर दो लाइनें बनी हुई है, वो है एब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से ब्लॉक बोला? एब्लॉक। हमें इस बार अपने सिलेबस में डी ब्लॉक और एब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करनी है, और बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे खासे तरीके से इस चैप्टर को बनाया गया है। लर्निंग भी बीच में बहुत सारी आएगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को चैप्टर के बिल्कुल बीच में ले जाकर स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, क्योंकि मैं आपको सीधा वो टॉपिक करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में सटीक आता है, हर बार आता है, ठीक है? तो पहले सीधा वो टॉपिक करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर नजदीक है तो पहले हम उसको कर लेते सीधा। फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि मैंने पहले वो इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं करा सीधा, कोई नहीं, आप चैप्टर की शुरुआत वहीं से करो जो पहले वो चीज आती है। इस चैप्टर को वैसे करते हैं, चुप हो जाओ। दो चीजें सिखाऊंगा आज क्लास में। एक बच्चों सीखेंगे हम पोटेशियम पर मैग्नेट और एक सीखेंगे बच्चों हम पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतना कंफर्म्ड है कि इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों K2Cr2O7। आज हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में टोटली सब कुछ डिस्कस करेंगे, इनके रिएक्शंस को समझेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है वो भी समझेंगे। तो ये सारी चीज हमें सीखनी है बच्चों, ठीक है? करें भाई शुरू। चलो तो सबसे पहले आप लोग एक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको करवा रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक बच्चा मुझे कोई एनसीईआरटी दे दो एक बार, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। मुझे दो आयन के बारे में बताओ, रख दो ये बारी। एक मुझे बताओ डाइक्रोमेट आयन और एक मुझे बताओ क्रोमेट आयन, दोनों का फॉर्मूला दो। आपको बताना है डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन। ये फर्स्ट पार्ट में होगा, लड़का समझदार है भाई, लेके तो वो आया भाई। क्लास मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन एंड व्हाट इज क्रोमेट आयन, आपको जवाब देना भाई।
क्लास में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई। Cr2O7 2 माइनस इज डाइक्रोमेट एंड Cr4 2 माइनस इज क्रोमेट। चलिए क्लास। ओ भाई देखो पीछे बातें ना करो और बोर्ड पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको जो मैं टॉपिक आज कराऊंगा ना ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड आना है। तो ऐसे टॉपिक में तो बिल्कुल एक्टिव हो जाया करो कि फिक्स है भैया, तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में भी आना है, फाइनेंस में भी आना है, आएगा ही रहेगा भाई। सो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टार्ट करा, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट समझाते वक्त आपको पहले दो आयन समझाएंगे जाएंगे, एक डाइक्रोमेट आयन और एक बोलो कौन सा क्रोमेट आयन। जैसे सल्फेट आयन होता है, सल्फेट क्या होता है बोलो, SO4 2 माइनस, नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 माइनस, वैसे ही डाइक्रोमेट भी है और बोलो क्या क्रोमेट भी है। डाइक्रोमेट किसको बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं Cr2O7 2 माइनस को, और क्रोमेट बोलते हैं बच्चों CrO4 2 माइनस। दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, ठीक। अब अगर मैं इसको लिंक कर दूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिया टाइम से आया करो, एक डाइक्रोमेट है और एक क्रोमेट है, दोनों पे चार्ज 2 माइनस है। चलो बताने की कोशिश करो, ये तो इनका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो आता होगा निकालना, क्रोमियम की एक्स मान लो तो बोलो कितना आएगा 2x, 7 ऑक्सीजन का बोलो कितना हो जाएगा, 7 गुना में माइनस 2 बराबर में नेट चार्ज माइनस। ओ भाई मैं मान लू तुम्हें आता है ये, प्लस 6, तो इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है बोलो, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें बोलो कितनी है, इसको भी मैंने x माना, 4 ऑक्सीजन का बोलो कितना आ जाएगा, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों का ना हमारा फॉर्मूला तो अलग है, Cr2O7 2 माइनस एंड Cr4 2 माइनस, बट बोथ हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस 6। दोनों की ऑक्सीजन स्टेट बोलो क्या है बच्चों, प्लस 6 है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बताओ भाई। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कलर वाइज अगर बात करें तो जो हमारा ये वाला जो है इसका हमारा कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है, इसका क्या होता है बोलो, ऑरेंज कलर होता है, और इस वाले का बोलो क्या होता है, येलो कलर होता है, इस वाले का येलो होता है, येलो कलर। बस भाई चुप हो जाओ। और दूसरी एक बड़ी जरूरी बात जो आपको याद रखनी है NOT नोट बना के, कि कभी भी अगर तुमने क्रोमेट में बोलो क्या डाला, एसिड डाला, तो बोलो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। क्या बन जाएगा बोलो, तो क्रोमेट में ही एसिड डाल के बोलो क्या बनते हैं, डाइक्रोमेट्स। और डाइक्रोमेट्स में अगर बेस डाल दिया तो वापस से क्रोमेट बन जाएगा। यार सोचो ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ये वाली चीजें है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं। अरे क्रोमेट में एसिड डाला आशीष, क्रोमेट में एसिड डाला, क्रोमेट कौन, Cr2- में एसिड डाला, रिएक्शन लिखना चाहते हो लिख लो, बोलो क्या आएगी, Cr2- में H+ जैसी कोई भी चीज आप डालोगे जिसमें एसिड होगा बेसिकली, सो इट विल जनरेट द डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस। अरे नहीं आ रही बात सुनने, एंड व्हेन Cr2O7 2 माइनस में जब आप लोग बेस डालोगे, क्योंकि बच्चों इसमें एसिड डाला तो ये बना, अगर हम इसमें वापस से बेस डाल दूंगा तो एसिड खत्म हो जाएगा और वापस से बोलो क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा, यानी बोलो क्या बन जाएगा, Cr4 2 माइनस। अरे नहीं आया समझ में, अगर आपको एज अ साइड प्रोडक्ट लिखना हो दोनों में H2O है, लेकिन आप ना रिएक्शन पे मेन फोकस रखें कि मैंने अब तक जो बातें बताई वो आपको क्लियर है कि नहीं। चिंता मत करिए, सारी बातों को रिपीट करूंगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, बस आप लोगों को बने रहना टॉपिक के अंदर। तो सब बच्चे बताइए, मैं आपको दो आयंस की बात कर रहा हूँ, डाइक्रोमेट आयन और एक क्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट बोलो कौन सा, Cr2O7 2 माइनस, क्रोमेट बोलो कौन सा, Cr4 2 माइनस। उसके बाद स्टेट प्लस 6, इसके बाद स्टेट प्लस 6, वो ऑरेंज कलर का येलो कलर का पोला जाएगा एग्जाम के अंदर, ऑरेंज और बोलो क्या येलो। फिर बोलता है ध्यान रखना, क्रोमेट में एसिड डालोगे डाइक्रोमेट बनता है, डाइक्रोमेट में वापस से बेस डाल दोगे एसिड खत्म हो जाएगा, वापस से क्रोमेट बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रोमेट साइंस में एसिड डालने से डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में अगर बेस डाल दिया तो वापस से बोलो क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। सबको क्लियर होता है कि नहीं होता है? एक और बड़ी जरूरी चीज कि आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी को डाइक्रोमेट आयन पता है और किसी ने बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, तो बचपन में छोटी क्लास में एक चीज सीखी थी बोलो क्या, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, +1, और डाइक्रोमेट का वैलेंसी कितना है बोलो, Cr2O7 का बोलो कितना, -2, तो क्रॉस करूंगा तो बोलो क्या बनेगा, K2Cr2O7, इसीलिए ऐसा बने। अरे नहीं आया समझ में, अरे यार ऐसे प्लस माइनस करके क्रॉस करते हैं उसमें क्या रॉकेट साइंस है, आता है कि नहीं आता? तो मुझे तुम बताओ इस पेज पे लिखी हुई सारी बातें क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को बहुत जरूरी चीज पे लेके चलता हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मैंने देखी आती हुई, ये होती है बच्चों प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन बच्चों, क्योंकि मैं आपको कौन सा सेक्शन पढ़वा रहा हूँ बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वी आर प्रिपेयरिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन के लिए आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूँ, उसको आप लोग एज इट इज ध्यान करेंगे,
याद करेंगे और उसी के जरिए हम सारी रिएक्शंस बनाएंगे। इसकी प्रिपरेशंस में टोटल कितनी रिएक्शंस इन्वॉल्व है? तीन। राइट, इसकी प्रिपरेशंस में टोटल कितनी रिएक्शंस इन्वॉल्व है? तीन। लेकिन हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे, उसके जरिए तीनों को जनरेट करेंगे। पहले आप सब बच्चे याद करो, याद करो सब बच्चे, एक होती है आयरन की क्रोमाइट ओर। पहले हमें अर्थ क्रस्ट से ना एक क्रोमाइट ओर मिलती है, जिससे क्रोमाइट्स वगैरह मिलते हैं ना, उसकी एक ओर मिलती है। ओर मतलब क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, है ना, वहीं से। तो ये आयरन की क्रोमाइट ओर मिलती है, मतलब क्रोमाइट मिलता है लेकिन आयरन के साथ कंबाइंड मिलता है, तो ये ओर मिलती है। इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, बोलो किसकी? सोडियम कार्बोनेट प्लस में बोलो क्या? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, अगर मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो कहते हैं कि पहले आप लोगों का बनता है क्रोमेट, क्या बनता है बोलो? और क्योंकि सोडियम आपने लिया है तो पहले आपका बनेगा सोडियम क्रोमेट। फिर आपको पता है डाइक्रोमेट तक पहुंचने का तरीका बोलो क्या है? डाइक्रोमेट तक पहुंचने का तरीका बोलो क्या है? इसमें डालेंगे एसिड, क्या डालेंगे बोलो? एसिड डालते के साथ ही सोडियम क्रोमेट बोलो क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट। बट आप क्या सोडियम डाइक्रोमेट बनाने गए, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट बनाने गए थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप लोग ना पोटेशियम का कोई एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जो कि भाई ऑब्वियसली बात है पोटेशियम इज मोर रिएक्टेड देन सोडियम। कैसे पता सर? अरे सर वो सीरीज याद करिए, ली को बता कार स्कूटर ना मांगे, सीखा भाई? तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टेड देन सोडियम। देखो ना, पोटेशियम इज मोर रिएक्टेड देन, सिंस पोटेशियम इज मोर रिएक्टेड देन सोडियम, सो पोटेशियम विल रिप्लेस द सोडियम क्रोमेट सॉल्ट, है ना। तो मैंने अगर सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाया पोटेशियम क्लोराइड से, सो पोटेशियम विल रिप्लेस द सोडियम एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे याद करना है इतना भारी भरकम सा चीज, कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं बस आप लोगों को, इतनी सी बात याद करनी है। अब आप कहेंगे सर ये इतनी सी बात है क्या? छोटी सी ही बात है, दोबारा सुन लीजिए। क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बताया कि क्रोमेट में जब एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट बनते हैं? और क्या आपके लिए बात समझना मुश्किल है कि सोडियम डाइक्रोमेट अगर पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको रिप्लेस कर देगा? क्या बचपन में ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़ के आए, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है सर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जब पढ़ी हैं तो मैं अब इसको ना एक सिंप्लीफाइड तरीके से रिएक्शन की फॉर्मेट में बताता हूं। सबसे जरूरी चीज, जो आयरन की क्रोमाइट ओर होती है उसका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, FeCr2O4। सबसे पहले नेचर में अगर क्रोमेट मिलेगा, क्रोमाइट मिलेगी किसी फॉर्म में, तो वो ये मिलता है FeCr2O4। इसी के जरिए बनता है बोलो क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन कैसे बनेगा सब बताओ? सबसे पहले इसका रिएक्शन बोलो किससे होगा? सोडियम कार्बोनेट से। फिर बोलो किससे होगा? बोलो साथ में ऑक्सीजन। बोलो क्या बनेगा सब बच्चे दिमाग में बताओ क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा सर सोडियम यहां से, क्रोमेट यहां से, सोडियम क्रोमेट, क्या बनेगा बोलो? सोडियम क्रोमेट। सब बच्चे बताओ सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? Na+1। क्रोमेट क्या होता है? Cr4-2। बोलो क्रॉस करो क्या बनेगा? Na2Cr4। मैं नहीं याद करूंगा फॉर्मूला, मैं नाम याद करूंगा सोडियम क्रोमेट, और क्रोमेट मुझे पता है Cr4-2 सोडियम मुझे पता है +1 है, मैं क्रॉस करके ऐसे याद करूंगा। ये वाली बात समझ में आई? अरे क्लास बना हमारा सोडियम क्रोमेट। अब मुझे बताओ जरा, जो ये सोडियम क्रोमेट है अगर इसका रिएक्शन मैं किससे करवा दूं बोलो? एसिड से, यानी H+ से, बोलो क्या बनेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। अब नाम पता है सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम का बोलेंगे +1, डाइक्रोमेट का बोलेंगे Cr2O7-2, क्रॉस करो बोलो क्या बनेगा? Na2Cr2O7 बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। एंड व्हेन दिस सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्टिंग विद द KCl, the potassium will be more reactive than the sodium and replace the sodium bromate salt, this will form a K2Cr2O7। and aap jaan bhi sakte ho ki potassium idhar hai, sodium aa jayega, to bolo kya banega? NaCl। main baatein pakadne ki koshish karo ki main baat kya hai sir, iron ki jo chromite ore when reacting with the sodium carbonate and oxygen it will form a sodium chromate, when sodium chromate reacting with the acid it will form a sodium dichromate, and sodium dichromate reacting with the potassium chloride the potassium will replace the sodium and form a potassium dichromate, ban gaya। कुछ यूं भी सोच सकते हैं कि सर यहां सोडियम कार्बोनेट की बजाय पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते तो बन जाता पोटेशियम क्रोमेट, फिर बनता पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। कहते हैं पोटेशियम वाला ना यहां पर रिएक्टिव नहीं कर पाता, कुछ प्रेसिपिलेट वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहां पर लेना हमें सोडियम कार्बोनेट ही पड़ता है। पहले किसी भी तरीके से सोडियम डाइक्रोमेट ही बनाना पड़ता है, पहले क्या बनाना पड़ता है? सोडियम डाइक्रोमेट ही बनाना पड़ता है, उसके बाद पोटेशियम का कोई सॉल्ट लेके उसको रिप्लेस करवाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब बच्चे अब इसको कैसे याद करोगे? ऊपर ट्रिक है, उसके जरिए याद करो। मतलब देखो मैं आपको एक सिंपल से बता दूं, ऐसे तीन तीन स्टेप में याद करने में दिमाग में थोड़ा भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट एक तरीके से याद करो कि आयरन की क्रोमाइट ओर प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू क्रोमेट सब्सटेंस, क्रोमेट ऑन रिएक्टिंग विद द एसिड फॉर्म अ डाइक्रोमेट सब्सटेंस,
बट दिस डायक्रोमेट सब्सटेंस इज ऑफ सोडियम, तो पोटेशियम क्लोराइड से बन गया पोटेशियम डायक्रोमेट। तो ऐसे स्टेप वाइज याद करोगे तो रिएक्शन अपने आप बनाने आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्रोमेट रिएक्टिंग विद एसिड फॉर्म अ डायक्रोमेट, एसिड एच प्लस, आयनिक फॉर्म में चल रही रिएक्शन सारी। ठीक है, ठीक है। अब कोई अगर साइड प्रोडक्ट अगर आपको लिखना हो तो बस मैं बता देता हूं, इसका साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एफई। देखो मेन बात तो मैंने लिख दी है, साइड प्रोडक्ट में आयरन का ऑक्साइड बनता है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आप लोगों का बनता है एन ए प्लस और एच टू ओ। सो गाइज, हाँ भैया रिएक्शन है ये। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात और क्लियर करता हूं, आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हर चीज का मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड होता है, बट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म्स नहीं होते। आप लोग किसी भी एनसीईआरटी बुक में या किसी भी रिफ्रेशर में ना मुझे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का ना मैकेनिज्म दिखाना मुझे, कि सर देखो यहाँ मैकेनिज्म दिखा रखा है, पढ़ लो पूरी एनसीईआरटी, याद करने पड़ते हैं। सिंपल देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, जितनी भी ये रिएक्शंस होती है इनऑर्गेनिक की, इसमें क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस है, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई बोलो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो किसी का ऑक्सीडेशन हुआ किसी का रिडक्शन हुआ, हो तो रहा है, बट इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओ भाई नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में, कुछ बात बन रही है? चलो सबको याद हो गई, याद भी हो गया, याद करो, आगे नहीं करा रहा, पहले याद करो, याद करो। ओ मेटल और मेटल ले देख, याद कर पहले। बेसिकली HCl H2SO4 ही लेते हैं इन चीजों में। अरे यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसमें तुमने बैलेंसिंग नहीं करी हुई है, दो चार मल्टीप्लाई नहीं करे हैं। डन? अरे बताओ भाई क्वेश्चन पता कैसे आएगा ये? अब सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई आयरन की एक क्रोमाइट ओर है जिसको मैं एक्स बुला रहा हूं, आयरन की एक क्रोमाइट ओर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बोलो, एक्स, और जब वो रिएक्ट करती है सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ तो वो एक वाई तरह का कंपाउंड बनाती है। कैसा कंपाउंड बनाती है बोलो? वाई तरह का। और वो वाई तरह का कंपाउंड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो एक जेड तरह का कंपाउंड बनाता है। क्लियर हुआ? और जब वो जेड तरह का कंपाउंड किसी पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो वो एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉरी ऑरेंज कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ, एक्स बताओ, वाई बताओ, जेड बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो आपसे ऐसे ही बात करेगा जब इस रिएक्शन पे क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा कोई एक्स ना कोई कंपाउंड है जो कि आयरन की एक क्रोमाइट ओर है। अब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ पढ़ा है ऐसा, आयरन की क्रोमाइट ओर थी, रिएक्ट करी थी सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से तो बना था कुछ वाई तरह की चीज, वो वाई तरह की चीज ये रही, फिर वो वाई तरह की चीज एसिड से रिएक्ट करती तो कोई जड़ तरह की चीज बनी थी, और जब वो जड़ तरह की चीज केसीएल से रिएक्ट करती तो कोई येलो तरह का कंपाउंड बना था। आप जानते हो येलो कलर का होता है पोटेशियम डायक्रोमेट, तो वो इस कंपाउंड का नाम पूछेगा आप लोगों से, इसका पूछेगा, फिर वही पूछेगा एक्स वाई जेड सारी चीजें पूछेगा आप लोगों से। क्लियर होता कि नहीं होता? हाँ, अरे ये येलो है ना, कलर जो भी हो मेन बात इसकी करेगा वो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप लोग मुझे क्लास, आप लोग मुझे बताओ एक्स वाई जेड की टर्म्स में अगर क्वेश्चन आया तो एनालाइज कर पाओगे? अब तक बताओ मैंने इस टॉपिक में तुम्हें क्या क्या बताया है? एक मैंने तुम लोगों को बताया है डायक्रोमेट, और एक मैंने तुम लोगों को क्या बताया बोलो? क्रोमेट। डायक्रोमेट बोलो क्या होता है? Cr2O7 2-, क्रोमेट बोलो क्या होता है? Cr4 2-. बोथ हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, कलर्स ऑरेंज, और इसका बोलो क्या? येलो, इसका येलो, सॉरी इसका ऑरेंज है गाइस, ऑरेंज और येलो। फिर बोलो सब बच्चे, क्रोमेट में एसिड डालेंगे तो बोलो क्या बनेगा? डायक्रोमेट। डायक्रोमेट में बेस डालेंगे तो बोलो क्या बनेगा? क्रोमेट। ये पैटर्न याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रिपरेशन के लिए ऊपर वाली टेक्निक याद करो, आयरन की क्रोमाइट और में जब सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट एसिड से रिएक्ट करने पे सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम की रिप्लेसमेंट होगी पोटेशियम से तो बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं आ रहा? रिएक्शन कर लो कैसे? अब आ जाओ असली चीज पे।
एक तो ये प्रिपरेशन वाली चीजें जो एग्जाम में आनी ही आनी है, और दूसरी चीज है अब रिएक्शन वाली बात। आप जरा मुझे एक बात बताओ, देखते कितनी तुम्हारी याददाश्त तेज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन वाली एक रिएक्शन करवाई थी कि CH2OH ऑक्सीडाइज टू CHO, CHO ऑक्सीडाइज टू COOH, पढ़ाया था। और उसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक बताए थे आपको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन था? ये था K2Cr2O7 था। सब बच्चे बोलो, सब था ना K2Cr2O7। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो ये एजेंट जो मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोलेंगे K2Cr2O7 या बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन विच इज Cr2O7 2- इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है वो दूसरों को बोलो क्या करती है, ऑक्सीडाइज, और खुद को बोलो क्या करती है, रिड्यूस। अब बस आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊंगा, आप लोगों को वो चीज एज इट इज याद करनी है और फिर उनका रिएक्शन में इस्तेमाल करना है। कैसे? इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो याद करो सब बच्चे, इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो याद करो। ये आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा इसके अंदर, बोलो आयरन 3+ में। ये I- को, या इससे भी सालों पहले टिन 2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा टिन 4+ में। ये I- को ऑक्सीडाइज कर देगा ये I- को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और एक और है H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा S में। और ये डब्बा याद कर लो, क्या चीज? नहीं नहीं कौन कह रहा है पूरा रटना भाई, रटना ही है तो फिर तो NCERT उठा के पढ़ लो, फिर टीचर की क्या जरूरत है, फिर तो NCERT उठाओ और ऐसे तोते की तरह लग जाओ, है ना। अरे गूगल से उठा ले, नेट तो तेरे पास होगा, 200-250 रुपए का 300 रुपए का रिचार्ज जाता है, उससे उठाओ कर लो, है ना। तो रटने वाला देखो मैं बता दूं बच्चों, आप इस समय ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप इस बात से नहीं मुकर सकते कि रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन सब कुछ नहीं रटना होता है, और रटने का भी ना एक तरीका होता है। थोड़ा स्मार्टली अगर याद करोगे तो जल्दी याद होगा। अब तुम एक बिल्कुल लगे हुए हो कि भैया जो पिछला हमने रिएक्शन पढ़ा तुम ऐसे याद कर रहे हो, FeCr2O4 सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन और फिर बना ये फलाना ढिकाना, लेकिन तुमने पहले समझा कि आयन कौन से होते हैं, नाम से याद रिएक्शन को नाम से याद करा, आयरन की क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन रिएक्ट करके बोलो क्या बनेगा, क्रोमेट, क्रोमेट में एसिड देगा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट सोडियम वाला बनेगा, पोटेशियम डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा ना, ऐसा। इसे आपने भले ही याद करा है लेकिन कंपैरेटिवली जल्दी याद होगा अगर आप रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू याद करोगे तो, है ना। उसमें टाइम लगेगा, इसमें क्या होगा, जल्दी याद होगा। तो यही काम बस करना है आप लोगों को, जो बताया जा रहा है ना उसको स्मार्टली रन कर रहे हैं। सब बच्चे याद करो कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऐसा होता है, और जब कोई चीज दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है तो खुद को बोलो क्या करती है, रिड्यूस। ये खुद को रिड्यूस करता है ये खुद को रिड्यूस करता है Cr2O7 2- Cr3+ में। देखिए अगर रेडॉक्स की बैलेंसिंग आती है 11th क्लास की तो बिल्कुल चिल कर सकते हैं, अपना बढ़िया जाएगा आपका टॉपिक बिल्कुल। और बैलेंसिंग नहीं आती ना तो नजरें बिल्कुल बोर्ड पे रखना, मुझे कोई भी बच्चा बात करता नजर आया, हंसी खेल करता नजर आया, ध्यान सुनो, तो मैं तुमसे बैलेंसिंग करवाऊंगा ऊपर बोर्ड पे आगे, कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पिटोगे। इसलिए बोर्ड पे देख लो ना। आपके सामने ये है कि भैया जो डाइक्रोमेट होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन फलाने ठिकानों को तो करेगा ऑक्सीडाइज और खुद को बोलो क्या करेगा, रिड्यूस। अब आपको यहाँ पर ना चार रिएक्शंस एग्जामिनर देने वाला है, वो पेपर में पता कैसे रिएक्शन देगा, उसका क्वेश्चन आएगा ऐसे, कंप्लीट द रिएक्शन, और रिएक्शन आने वाली है ऐसे, Cr2O7 2-, फिर दे देगा Cr2+, फिर दे देगा H+, और बोलेगा कंप्लीट कर दो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट बैलेंसिंग के साथ करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, अनऑर्गेनिक है, पूरा बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन दे देगा Cr2O7 2- reacting with the I- बोलो क्या H+ and give rise to क्या आएगा। आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, दो नंबर मिल जाएंगे, ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे और दो नंबर मिलेंगे, फ्री के मार्क्स से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर चीजें पता है तो। अब मुझे ये पता है कि किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है और खुद किसमें बोलो क्या होता है, रिड्यूस, बस मैं इसी बात से सारे रिएक्शन कर दूंगा।
पहले मैं बहुत लंबा तरीका आपको बताऊंगा जो एक्चुअली में सीखा होगा आप लोगों ने, फिर मैं बताऊंगा कि अब हम 12th क्लास में आ चुके डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना झमेला नहीं करेंगे, लेकिन पहले वो लॉन्ग माइंड पता होना चाहिए कि वो कर कैसे रहे। अब आप पहले एक बार स्टेट्स पे ध्यान दीजिए, आयरन प्लस टू से क्या हो रहा है, बोलो प्लस थ्री ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही बोलो क्या होता है ऑक्सीडेशन, या आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना बोलो क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये प्लस टू से कोई प्लस थ्री कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा लॉस होगा। चलो प्लस टू से प्लस फोर बोलो ऑक्सीडेशन है। अच्छा इधर आयोडीन पे कितना चार्ज है माइनस वन, आई टू पे बताओ कितना है। आई टू पे अगर आप आई को एक्स मान लोगे तो बोलेगा टू एक्स बराबर में जीरो आएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा जीरो, तो इसकी स्टेटस जीरो। तो माइनस वन से जीरो होना भी बोलो क्या है ऑक्सीडेशन। अरे माइनस वन से जीरो होना भी बोलो क्या है। अच्छा बताओ एच टू एस में सल्फर की स्टेट बताओ, सल्फर की स्टेट, सल्फर की स्टेट बोलो कितनी आएगी, प्लस टू फॉर द हाइड्रोजन एक्स बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस दो, सल्फर यहां पर माइनस दो है और यहां अकेला एटम है तो बोलो क्या होगा जीरो। तो माइनस टू से जीरो भी ऑक्सीडेशन है, माइनस वन से जीरो भी ऑक्सीडेशन है, प्लस टू से प्लस फोर भी ऑक्सीडेशन है, प्लस टू से प्लस थ्री भी ऑक्सीडेशन। वो बात ठीक है लेकिन स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने सबका ऑक्सीजन स्टेट देख लिया। हाँ भाई क्लास प्लीज यार बोर्ड पे नजर बनाए रखो आप। अब आप मुझे बताओ ये बताओ इस क्रोमिन की स्टेट कितनी है, यहां निकाल के देखो 2x 7 ऑक्सीजन की माइनस 14 बराबर माइनस 2 अभी निकाली थी, प्लस 6 स्टेट है और उसकी बोलो कितनी है प्लस 3। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये प्लस 6 स्टेट दोनों क्रोमिन की मिला के है या एक क्रोमिन की है। सर यहां सॉल्व करोगे ना तो x प्लस 6 आ जाएगा और दोनों क्रोमिन की तो मैंने 2x ली है, कितनी लिया बोलो 2x, तो एक क्रोमिन पे चार्ज बोलो कितना है प्लस 6, दो पे तो सर प्लस 12 है, एक पे प्लस 6 है वो बन गया प्लस 3, मतलब क्या हुआ रिडक्शन। इधर ऑक्सीडेशन नंबर छोटा हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन है ये बोलो क्या है रिडक्शन। इसे करना कैसे है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने वहां पर है और मैं रिएक्शन पहले कंप्लीट करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, जिस चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको भी लिख लो, Fe2+ को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये तो होगी इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो आपको सिखाया गया था 11th क्लास में, किसी ने भी सिखाया होगा ऐसे सिखाया होगा, और एक थी रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि आप लोगों ने लिखी होगी Cr2O7 2 माइनस, बोलो किसमें गई, तुमने लिख दिया कि ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और रिडक्शन इसका हो रहा है, लिख दिया लिख दिया। अब होता है असली काम शुरू, असली काम शुरू ये होता है यहां पर कि इन स्टेप पे आप लोगों को एक तो नंबर्स बैलेंस करने एलिमेंट्स के और एक क्या बैलेंस करने चार्ज, अच्छे सुनिएगा, एलिमेंट्स की संख्या भी बैलेंस करनी, जैसे एक आयरन तो एक आयरन, अगर यहाँ दो आयरन होते तो यहाँ पर दो करते, जैसे दो क्रोमियम होते यहाँ पर भी दो करोगे क्रोमियम, तो नंबर बैलेंस करने खुशी इधर, एलिमेंट्स के नंबर बैलेंस करने और बोलो क्या बैलेंस करना है चार्ज, नंबर बैलेंस करना और बोलो क्या बैलेंस करना है चार्ज, बस ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस नहीं करना, कान खोल के सुन लीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस। तो मुझे सब बच्चे बताओ एक आयरन एक आयरन नंबर बैलेंस है कि नहीं, अरे एक आयरन नंबर बैलेंस है कि नहीं है सर, चार्ज की बात करते हैं, प्लस दो प्लस तीन क्या बराबर है, मुझे बताओ जरा प्लस दो प्लस तीन को कैसे बराबर करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने राइट साइड पे ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने अगर राइट साइड पे ऐड कर दिया, बोलो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। कुछ कहेंगे सर तीन और एक तो चार हो गया, अरे भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसका होता है नेगेटिव का होता है, अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है प्लस तीन में से एक जाएगा बोलो कितना बचेगा प्लस दो बचेगा। समझ नहीं आ रहा, दो तरीके इसको समझने के, आप या तो ये देखो कि प्लस दो से कोई चीज प्लस तीन कैसे बनेगी, सुधांशु अगर कोई प्लस दो है तो प्लस तीन कैसे बनेगा, कोई लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तब प्लस चार्ज बढ़ेगा या गेन करने पड़ेगा, लॉस करेगा ना, तो इस प्लस दो वाले ने एक इलेक्ट्रॉन, प्रियांशु अनुराग भगा दूंगा क्लास से नेक्स्ट टाइम पे, प्लस दो से कोई प्लस तीन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन बोलो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है भाई पक्का, तो इसने लॉस करा होगा, या तो ऐसे समझ लो, और ऐसे नहीं समझ सकते सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है तो प्लस दो और प्लस तीन बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दूं ईशब तीन और एक कितना होगा दो होएगा, बहुत अच्छे, तीन और एक इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज रखता है तो बोलो कितना आएगा दो आएगा, बहुत अच्छे चलो ठीक है, तो ये बोलो ठीक हो गया। अच्छा सुनो, अरे क्लास इधर, अब ये दो क्रोमियम है, यहां कितना क्रोमियम बोलो एक, सबसे पहला काम चलो स्टेट बताओ प्लस सिक्स है, दो क्रोमियम है क्लास देखो, दो क्रोमियम है पहले यहां दो से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए क्रोमियम बैलेंस, चार्ज बैलेंस करो बताओ कितना, एक क्रोमियम पे प्लस छह, दो पे कितना प्लस बारह, लेफ्ट साइड पे क्रोमियम का टोटल चार्ज मुझे बताओ कितना है सब बच्चे, प्लस 12, राइट साइड पे क्रोमियम का टोटल चार्ज बताओ प्लस 6, एक पे प्लस 3, दो पे प्लस 6, सर प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 कैसे बराबर करोगे, कैसे बराबर करोगे, सर लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ दूं तो बच्चों प्लस 12 और प्लस 6 बराबर हो सकते हैं बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट। किसी के दिमाग में बार बार ये लग रहा होगा 6 तो सर राइट में ऐड कर दे तो 12 होता, अरे भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव होता है, कैसा होता है बोलो, अगर नेगेटिव है तो 12 में से 6 घटेगा तो बोलो कितना आएगा 6 आएगा,
नहीं आया ना समझ में, नहीं आया लव, नहीं समझ में। अगर मैं छह राइट में कर देता तो छह में से छह घट के जीरो बन जाता राइट साइड का चार्ज, तो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो 18 मत कैलकुलेट करिए इसको, 12 और 6 यहाँ पर 6 बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलो माइनस का। इसको तुम लोग ऐसे भी रट सकते हो, जिस बच्चे को 11th में बिल्कुल नहीं मेहनत करिए ना, वो ऐसे भी रट सकते हैं। जितने का डिफरेंस होता है ना 12 और 6, 6 का डिफरेंस है, रिडक्शन में हमेशा लेफ्ट में जोड़ो और ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट में जोड़ो जितना डिफरेंस है। मैंने 11th क्लास में पता नहीं इसके 12 13 15 क्वेश्चंस करवाए होंगे, मतलब बैलेंसिंग है, क्लियर है। टेस्ट भी दो दो बार हुआ था इसका। तो तुम मुझे बताओ सब बच्चे, बताओ भाई ये 6 है वो 1 है, अब क्या करना होता है सब बच्चे? अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी होती है। अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है उसने एक ही लॉस करा? भाई देखो एक सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे सर इसका मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है, मतलब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रही है और कोई बोलो क्या कर रही है गेन, इसको इसी मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसने अगर 6 गेन करे हैं तो उसने 6 बोलो क्या करेंगे लॉस, एक तो ना लॉस करा होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करो, पहला सीखने में समय लगेगा, बाद में सेकंड में स्पीड पकड़ लेंगे हम। तो अगर इसने 6 गेन करे तो उसने कितने लॉस करे होंगे? 6 ही लॉस करे होंगे। तो आप क्या करोगे सब बच्चे, ए इसको 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ताकि ये बन जाएगा 6Fe2 प्लस गिव राइज टू 6Fe3 प्लस गिव राइज टू 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर एक आयरन 2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 6 आयरन 2 प्लस ने कितने दिए होंगे? 6 दिए होंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो नीचे समझ में भाई, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 6, तो वो कितने एक लॉस करेगा क्या? उसने भी कितने लॉस करे होंगे? 6। तो वो 6 करने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया कि एक आयरन 2 प्लस एक लॉस करता तो 6 आयरन 2 प्लस कितने लॉस करेंगे? 6 लॉस करेंगे। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, इन स्टेप पे मैं दो काम करता हूँ, एक तो मैं दोनों रिएक्शंस के एलिमेंट्स नंबर बैलेंस करता हूँ, एक है तो एक, दो है तो दो, फिर मैं चार्ज बैलेंस करता हूँ, और मैं तीसरा काम इन दोनों की इलेक्ट्रॉन संख्या को बराबर करता हूँ। ये 6 और वो 1 है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा ये 2 होता वो 3 होता ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से, दोनों के किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेन देने वाले बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले रही है उतना ही तो दूसरे वाले बोलो क्या कर रही होगी? लॉस कर रही होगी। अब इतना मामला होते के साथ ही काम लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद आप टोटल करो, बोलो सब बच्चे टोटल करो, बोलो कितना आएगा? Cr2 सब बच्चे Cr2O7 2 माइनस प्लस में बोलो कितना? 6Fe2 प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन राइट में आएंगे और कट जाएंगे, बराबर में मुझे बताओ कितना आएगा सब बच्चे? 2Cr3 प्लस, प्लस में बोलो कितना? 6Fe3 प्लस। इस स्टेप तक बच्चों आप लोगों का ना सब कुछ बैलेंस हो चुका होता है, सिवाय एक चीज के, बोलो क्या? ऑक्सीजन के अलावा सब कुछ बैलेंस हो चुका होता है। तो मैं लास्ट स्टेप आपके लिए करने वाला हूँ बच्चों, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मैं इससे ज्यादा आसान तरीके से कर सकता हूँ, देखिए थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको विद इन 30 सेकंड्स करना है। ये पहली बारी के लिए समय है, बस विद इन 30 सेकंड्स आप ये रिएक्शंस कर जाए करेंगे, बस आपको सुनना है भी बोर्ड पे जितना बता रहा हूँ। तो मुझे सब बच्चे बताओ, ये बना 6Fe2 प्लस गिव राइज टू बोलो कितना? 2Cr3 प्लस, प्लस में बोलो कितना? 6Fe3 प्लस। चलो बोलो ये तो आ गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने है भाई, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा होता है, 7 ऑक्सीजन है तो उतने ही वाटर ऐड कर दो, उतने ही, क्योंकि जितने वाटर ऐड करोगे उतने ऑक्सीजन आ जाएंगे। फोकस करो, 7 ऑक्सीजन वहां पर फालतू है, 7 H2O आ गए, हो गए ऑक्सीजन मेरे। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर फालतू चले गए? 14। 14 हाइड्रोजन फालतू होने का मतलब यहाँ पर 14H+ हो गया। रिएक्शन कंप्लीट। आपके पहले वाले का आंसर आप लोग क्या बोलोगे सब बच्चे? पहले वाले का आंसर क्या बोलोगे? पूरी रिएक्शन लिखोगे, Cr2O7 2 माइनस, प्लस में बोलो क्या? 6Fe2 प्लस, प्लस में बोलो क्या? 14H+ गिव राइज टू बोलो क्या? 2Cr3 प्लस, प्लस में 6Fe3 प्लस, प्लस में 7H2O। कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन सर, जिन बच्चों ने 11 में बैलेंसिंग करी थी कुछ याद नहीं आया इसको पढ़ के? एसिडिक से ही करना है इसको, इसको एसिडिक से ही करना है, बेसिक वाला KMnO4 में इसमें नहीं है, ठीक है? समझ में कुछ आया? अच्छा एक और सुनो, एक और सुनो। अब क्वेश्चन तुम लोगों को उसने दिया, क्वेश्चन दिया Cr2O7 2 माइनस टिन 2 प्लस H+ कंप्लीट। हाँ भाई सचिन, फिर दोबारा आ गया भैया डायक्रोमेट, सामने बैठा टिन 2 प्लस। तुम्हें एक बात बोली गई है चैप्टर में, मैंने क्या सिखाया? टिन 2 प्लस किसमें ऑक्सीडाइज होगा? टिन 4 प्लस में। टिन 2 प्लस किसमें होगा? कह रहे कहां से याद करें सर, अरे ये क्या बताया मैंने तुम्हें, टिन 2 प्लस किसमें होगा? टिन 4 प्लस में। और खुद किसमें रिड्यूस होएगा बोलो? Cr2O7 2 माइनस, Cr3 प्लस में, Cr, बस अब सेम रिपीटेशन स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए अगर सुनते रहे ना, सुनते रहे, क्लास के एंडिंग में दिखाऊंगा विद इन 30 सेकंड आंसर आएगा आप लोगों का। तो चलो बताओ, ए बोलो
चलो आओ भाई आओ, बोलो एक लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और एक बोलो क्या लिखते हैं, किसी को भी पहले लिख लो। मैंने मान लो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन पहले लिख लिया, फिर बोलो कौन से लिखूंगा, जिस मर्जी को पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बोलो ऑक्सीडेशन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो टिन टू प्लस का, किसमें टिन टू प्लस का, टिन फोर प्लस में, खुद का रिडक्शन बोलो सब बच्चे। कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन सर, चलो बोलो भाई स्ट्रेट बोलो, प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर। चलिए अब आप लोगों को काम क्या है, मैंने बोला है इन स्टेप पे आपको क्या करने, नंबर बैलेंस करने, चार्ज बैलेंस करने और फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तीन स्टेप करने हैं, नंबर बैलेंस करने, चार्ज बैलेंस करने एंड देन इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन जो दोनों का बराबर करना है। चलो भाई आ जाओ, कितने क्रम में हम दो, कितने क्रम में एक, तो दो से कर दो हो गया। फिर इधर कितना चार्ज बोलो, एक पे प्लस सिक्स, दो पे प्लस बारह, एक पे प्लस तीन, दो पे प्लस छह, प्लस बारह प्लस छह, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, छह का, छह इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट साइड। आप ध्यान भी कर सकते हो रिडक्शन में हमेशा लेफ्ट में जोड़ूंगा मैं और ऑक्सीडेशन हमेशा राइट में। रीजन ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी का रिडक्शन तब होगा जब वो गेन करेगा, किसी का ऑक्सीजन तब होगा जब वो लॉस करेगा। नहीं आ रहा समझ में, हो गया ऊपर का नंबर बैलेंस चार्ज बैलेंस, नीचे का बोलो टिन टिन, एक टिन नंबर बैलेंस ऑलरेडी है, चार्ज बताओ प्लस टू प्लस फोर, बोलो कितना आएगा, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो। चलिए तो नाउ वी हैव नंबर्स बैलेंस हो चुके हैं, चार्ज बैलेंस हो चुका है, अब हमें बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन्स। बताओ वो छह हैं ये दो हैं, कैसे करूं, नीचे वाली रिएक्शन को कितने से गुना कर दूं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा लेकिन सर आया, बोलो कितना आंसर आएगा, ईशव फेल हो जाएगा बेटा, सही बता रहा हूं, और कंपार्टमेंट टूटेगी नहीं ये भी गारंटी है, किसी के मन में वहम हो ना कंपार्टमेंट टूट जाती है तो तोड़ के दिखाना। बोलो दिस प्लस दिस, छह इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, छह इलेक्ट्रॉन राइट में, वो तो कट जाने, बोलो आंसर कितना आएगा, बोलो बोलो। सही है, बोलो अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करूं, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करूं, अगले स्टेप पे कर देता हूं, बोलो सी आर टू ओ सेवन टू माइनस थ्री टिन टू प्लस टू सी आर थ्री प्लस थ्री टिन टू टिन फोर प्लस, सात ऑक्सीजन है तो सात एच टू ओ, और बच्चों कितना हो गया बैलेंस, नहीं आया समझ, हर बार मैं एक जैसा ही काम करूंगा, विद इन थर्टी में नहीं हुआ अभी, विद इन थर्टी दिखाऊंगा तुम लोगों को अभी, पहले सुनो तो सही, पहले सीख तो लो, पहले विद इन फाइव मिनट और तो सीख लो, फिर शॉर्टकट मारेंगे ठीक है। चलो अगला बताओ, अगर अगला क्वेश्चन आ जाए आज ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो पाएगा, तुम लोगों को पूरा बैलेंसिंग सिखाना पड़ रहा है, अरे मुझे पता नहीं आता। चलो बोलो फिर दोबारा से Cr2O7 माइनस रिएक्टिंग विद द आयोडीन। अच्छा आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सर मुझे कुछ ऐसा दे दिया जो आपने नहीं बता रखा, तो मैं बता दूं इन चार के अलावा किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं देगा, कौन से चार, आयरन टू प्लस, टिन टू प्लस, आई माइनस, एच टू एस, मैंने चार चीजें बोली यही चार आएंगे, इसके अलावा पांचवी चीज नहीं आ सकती एग्जाम में ठीक है। तो मुझे तुम फटाफट से बताओ जो आई माइनस है वो किसमें ऑक्सीडाइज होता है, बोलो सब बच्चे, आई माइनस इज ऑक्सीडाइज टू आई टू, और खुद बोलो किसमें रिड्यूस होगा। अब एक बात तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये एक चीज तो फिक्स रहेगी हमेशा, कौन बोलो डाइक्रोमेट, बस हर बार ऑक्सीडेशन वाली चीज बदलेगी, क्लियर है, क्या करना है बोलो, एक बार रिडक्शन वाले का और एक बार ऑक्सीडेशन वाले का, रिडक्शन ये है बोलो, ऑक्सीडेशन ये है बोलो, सब बच्चे बोलो भाई, क्लास दो एडिन एक एडिन, दो कर दिए, दो क्रोमियम कर दिए। चलिए बैलेंस करते चार्ज, इसका प्लस सिक्स है, चलो भाई सब बच्चे, एक पे प्लस छह, दो पे प्लस बारह, एक पे प्लस तीन, दो पे प्लस छह, प्लस बारह प्लस छह, छह इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट, अभी भी नहीं आया ना समझ में, तो भैया कभी आएगा भी नहीं ठीक है। अब आ जाओ इधर, दो आयोडीन, दो आयोडीन नंबर तो बैलेंस है, चार्ज की बात कर ले तो बच्चे उसके पास जीरो था, कुछ याद ही नहीं आ रहा था जीरो कैसे था, अरे अकेला था, टू एक्स मान के कर लो यार जीरो, विकास नहीं आ रही पसंद में। अब बताओ इस पे कितना चार्ज, माइनस दो, इस पे कितना, जीरो, डिफरेंस कितने का, दो का, ऐसे समझना है तो डिफरेंस कितने का बोलो, माइनस दो और जीरो में दो का डिफरेंस है, और ऑक्सीडेशन में राइट में ही जाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन राइट में आ जाएंगे, और किसी को लग रहा है ऐसे कैसे हो गया, तो यार लेफ्ट में माइनस दो था और राइट में जीरो था, कैसे बराबर कर सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल के, हमेशा बस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ही चार्ज बराबर हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन दो यहां आ जाएंगे तो ये भी माइनस दो बन जाएगी साइड, और ये वाले भी बोलो क्या बन जाएगी, माइनस दो, नहीं आया ना,
और मैं तुम्हें एक सिंपल फंडा बता दूं जिस बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन लग रही हो, ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट साइड पे, रिडक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और जितने का अंतर दिख रहा है ना बस उतना ही ऐड करना है। अंतर यहां पर 6 का था 6 कर दिए, अंतर यहां पर 2 यूनिट का 2 कर दिया, खत्म हुआ। अब बोलो यहां 2 वहां 6 कैसे करूं, 3 से गुना करूं, बोलो आंसर कितना आएगा। सब बच्चे आंसर बोलो भाई, बोलो Cr2O7 2- + 6i- गिव राइज टू, बोलो बोलो 2Cr3+ + 3i2। इसके बाद आप लोग लास्ट स्टेप बोलो क्या सोचते हो, बोलो 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 कितने ऑक्सीजन की कमी है, 7। अगली क्लास में अगर तुम्हें नहीं आता होगा ना फिर मैं तो तोड़ूंगा, ध्यान रखना सब बच्चों, पहले बता रहा हूं सब बच्चे पढ़ के आना ये, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसी ही लगभग आपको 12-13 रिएक्शंस कराऊंगा। आज सिर्फ कितनी करा रहा हूं, 4, अगली में कितनी होगी, 6 और 4, लगभग 10 रिएक्शंस होंगे, 10 रिएक्शन ऐसी कराने वाला हूं। लेकिन अगर हमने आज 4 पे समय लगा लिया अच्छा खासा तो 10 में भी उतना ही लगेगा जितना आज 4 में लग रहा है, ज्यादा नहीं लगेगा कहीं सोचो कि ज्यादा टाइम लगेगा। आज हम मेन काम सीख ले रहे हैं, नेक्स्ट में स्पीड पकड़ेंगे इस चीज की, क्लियर होता है। नेक्स्ट पे बताओ, अगली बताओ रिएक्शन, अगली कौन सी बची भाई, H2S वाली, तो बोलो सब बच्चे Cr2O7 2- + H2S + H+ गिव राइज टू। भाई मैंने तो एक बात याद कर ली कि किसका रिडक्शन होता है और किसका बोलो क्या होता है, तो सब बच्चे तुम भी बताओ भाई H2S किस में ऑक्सीडाइज होता है, S में, और Cr2O7 किस में रिड्यूस होती है, और इसी बात को मैंने याद कर लिया। अब मैं हर बार वही काम करूंगा, बोलो क्या, इधर इसकी स्टेट -2, अरे +2, ये तो -2 नहीं आ रहा, निकाल के देख लो ना, +2 ये रहा, एक्स मान लो इसको -2 आ जाएगा, नहीं आएगा कनिष्का, ये बोलो कितना 0, ये बोलो कितना +6। चलिए नंबर की तरफ बैलेंस करने चलते हैं, सब बच्चे बोलो 2 क्रोमियम 2, 1 सल्फर 1 सल्फर, नंबर बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करते हैं, +12 + 6 इलेक्ट्रॉन, सर -2 0, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया, क्या प्रॉब्लम है भाई, मुश्किल लग रहा है अभी भी, बोलो कितना आएगा। मैं 11th क्लास रिपीट करा रहा हूं आप लोगों 11th क्लास की क्वेश्चंस, बोलो H2S गिव राइज टू, बोलो कितना, ओके 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 3 से गुना करेंगे, बोलो कितना आएगा 3, यहां बोलो कितना आएगा 3 सल्फर, वो 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। चलो बोलो क्या आंसर आया लास्ट, लास्ट बोलो क्या आया, Cr2O7 2- + 3H2S गिव राइज टू 2Cr3+ + 3S, अंधाधुंध मत कर देना कि हर बार वही करना है, 7 ऑक्सीजन है, 14H+ है, एकदम 14 मत डाल देना यहां पर, 6 हाइड्रोजन पहले से है तो 8 ही आएंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, नहीं आया। 4 रिएक्शन किसकी करी है हमने आज, सुन लो बंद नहीं हुई क्लास, 4 रिएक्शन किसकी करी है, डायक्रोमेट की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, और उससे पहले मैंने उसकी प्रिपरेशन तुम्हें सिखाई है, बोला है कि नहीं, आज 3 बातें सिखाई, पता है कौन कौन सी, सुनो भाई, एक क्लास पीछे, एक डायक्रोमेट और क्रोमेटाइन के बीच में डिफरेंस बताया कलर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, मॉलिक्यूल का, दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम डायक्रोमेट, और तीसरी चीज मैंने सिखाई है उसकी 4 रिएक्शन, गारंटेड एक क्वेश्चन बनता है यहां से। और सुनो जो बात थी कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, तुम मुझे बताओ ये प्रोसेस स्मूथली आपको समझ में आ गया, मतलब कि प्रोसेस वैसे समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। अब कुछ भी नहीं होता बच्चों, देखो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग पे है, हमें इतना लंबा मेथड कभी नहीं करना, हालांकि करोगे तो पेपर में इतना इनफ टाइम होता है आप लोगों के पास कि केमिस्ट्री में समय बचेगा, ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो कि सर मैं इतना करूंगा तो 1 नंबर के लिए तो टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ बचेगा, 100% बचेगा, पूरा 70 नंबर का पेपर आता हो तो भी बचेगा, तो का ही बता रहा हूँ, नहीं आता होगा तो फिर तो ढूंढते रहोगे ना कुछ कहीं से मिल जाए कहीं से मिल जाए, आखिरी 1 मिनट तक भी, तो फिर तो नहीं बचेगा, पूरा पेपर आता है तो बचेगा 100% टाइम। आ जाओ क्लास, अगर मान लो क्वेश्चन आया ऐसे, देखिए अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जितना लंबा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं हम उतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हमें सिंपल टेक्निक पता है, आप लोगों को पता लग जाएगी कैसे। आ जाओ देखो क्या करना है, ये H+ है मुझे पता है, ठीक है मैं क्या करूंगा, छोड़ो भी इसकी किस, ये Fe2+ को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, 3+ में, और खुद को किसमें रिड्यूस करता है, Cr3+। सिंपल क्या कर दो, कह दो कि सर ये बन गया 3+ और ये खुद क्या बन गया, कोई प्रॉब्लम है, अब यही करो ना सब कुछ काम, 2 है 2 कर दिया, 1 है 1 कर दिया, नंबर बैलेंस, चार्ज की काउंटिंग करो, इसकी जो काउंटिंग है इसके हिसाब से +12 लेफ्ट में है, उसके हिसाब से +6 लेफ्ट में, कितने का डिफरेंस है, 6 का, कितने का डिफरेंस है इसमें, +2 और +3 कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो इसमें 1 का डिफरेंस है उसमें 6 का, तो 1 के डिफरेंस को 6 कैसे बनाओगे, 6 से मल्टीप्लाई करके,
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना वो 6 का डिफरेंस अगर एक का, जिसका एक का डिफरेंस उसका भी कितने का, तो बोलो 6 का बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 6 बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय, हो गया 7 ऑक्सीजन के लिए 7 H2O और 14 हाइड्रोजन के लिए 14 H+। मुझे बता देना 30 सेकंड ज्यादा लगे हो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज 10 सेकंड्स में 15 सेकंड्स के अंदर आंसर है। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, दूसरा ले लेते, दूसरा ले लेते। अबे इधर देखो तुम लोग, तुम कर आना तब ताली बजाना। अबे तुम लोग कर आना फिर ताली बजाना पेपर के अंदर, ठीक है? जैसी हो जाए फिर ताली बजाना शुरू कर देना मेरी। अब सुनो सब बच्चे, फिर दोबारा से सब बच्चे, फिर दोबारा से बोलो कौन किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? टिन 2+ का हो रहा है, बोलो किसमें? टिन 4+ में लिख दो। ये खुद किसमें रिड्यूस हो रहा है? बोलो Cr3+ में। पहले जो हो रहा है वो लिख दो, ये सर 3R+ में, वो टिन 4+ में। अब सिंपल नंबर बैलेंस करो, बोलो बोलो। ओए नंबर 2 2 1 1 सर नंबर बैलेंस है। चार की काउंटिंग करो, इसकी काउंटिंग बोलो कितनी? +12, उसकी +6, कितने का डिफरेंस? 6 का। कितने का डिफरेंस? 6 का। इधर कितने का डिफरेंस? 2 और 4 2 का। 2 के डिफरेंस को 6 का बना सकते हैं ना? 6 को 2 थोड़ा बना सकता हूं मैं, तो ये 6 है और वो 2 है, तो 2 के डिफरेंस को 6 का डिफरेंस कैसे बनाऊंगा? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन काउंट करो 7 है, 7 H2O डाले, 14 हाइड्रोजन्स, 14 H+, कहानी खत्म। क्यों हम इतना लंबा काम करेंगे? ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन, रिएक्शन हाफ रिएक्शन, टोटल रिएक्शन फिर करेंगे? नहीं करना, वो एक बार समय लगाना है, बस एक बार लर्निंग जो थी वो एक बार हमने कर ली है, उसके बाद तो भैया हम डायरेक्ट अब काम करा करेंगे। नहीं आई बात समझ में? अगले पे आ जाओ क्लास। ए हाँ तू मार्क्स इसी का है, इसका कुछ नहीं है, ये तो बस आपको सिखाने के लिए था। पेपर में क्वेश्चन कैसा आना है सुन भाई, अनुराग क्वेश्चन आया कंप्लीट द रिएक्शन, तूने बस यहां पर आंसर लिखे, मार्क्स मिले, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 नंबर मिलेंगे। तो हम इतना काम कभी नहीं करने वाले, ये बस आपको समझाने के लिए था कि मैं अगर डायरेक्ट तुम्हें बताता तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मैं 3 से गुना कर रहा हूँ, क्यों मैं 6 से गुना कर रहा हूँ, वो तो आपको तभी बता रहा है जब मैंने प्रोसीजर सीख लिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगली क्लास में ना आप लोग पढ़ के आओगे तो मजा आएगा, फिर हम रिएक्शन कर पाएंगे। आ जाओ भाई क्लास। अब देखो भले ही ना रटने वाली बात है, लेकिन आप लोगों को रट के यहाँ पर समझोगे तो चीज जल्दी हो जाएंगी। बोलो सब बच्चे, बोलो भाई इसका इसके साथ बोलो I- किसमें ऑक्सीडाइज होता है? I- ऑक्सीडाइज होता है I2 में, और ये खुद किसमें रिड्यूस होता है? Cr3+ में। पहले से दोनों लिख लिया करो जो जिसमें होता है। अब नंबर 2 2 1 2 तो 2, ठीक है? चार्ज ये कितना बोलो? +6। चलो काउंट करो, नंबर बैलेंस हो गए +12 +6, 6 का डिफरेंस। देखो 6 का डिफरेंस दिमाग में सेट करो, ये -2 और वो 0, सर 2 का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस वाले को 6 बनाओगे ना 3 से गुना करके, इसको 3 से गुना करोगे इन आई वालों को, तो कितना हो जाएगा बोलो? 6 और ये हो जाएगा बच्चों 3। काउंट करो ऑक्सीजन 7, 7 H2O और बोलो क्या? 14 H+। ये जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अगले वाला देख लो, अगले वाला तुम्हें लगता है उसमें हाइड्रोजन वाइड्रोजन सब था, Cr2O7, ये +6 होता है और बोलो किससे रिएक्ट कर रहा है? H2S से करवा रहे हैं। बोलो बोलो सब बच्चे, आपको पता है H2S -2 है, बोलो ये H2S किसमें जा रहा है? बोलो सल्फर में, और ये किसमें जा रहा है? बोलो Cr3+ में। चलिए नंबर बैलेंस करिए, 2 है तो 2, सल्फर 1 है तो 1, नंबर बैलेंस हो गया, देन बैलेंसिंग द चार्ज, +12 +6, 6 का डिफरेंस है, -2 0, 2 का डिफरेंस है, 2 डिफरेंस वाले को 6 बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो 3 3 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन 7 है सर कहीं और नहीं है, 7 H2O, 14 H+ है लेकिन सर 6 इसके पास ऑलरेडी है, तो 8 H+ और हमारी रिएक्शन खत्म। तो सिर्फ क्या याद करने की जरूरत रह गई है, क्या याद करने की जरूरत रह गई है? रिएक्शन में ये याद रखना पड़ेगा कौन किसमें ऑक्सीडाइज होता है, और ये इतनी ज्यादा मतलब हम इसको यूज करते हैं ना कि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा कि 2+ तो आयरन 2+ तो 3+ में जाता है सर, और टिन 2+ 4+ में जाता है, I- I2 में जाता है, H2S में जाता है, और ये खुद रिड्यूस होता है Cr3+ में। इतनी मल्टीपल टाइम्स अगर करोगे ना दिमाग में सेट होने लग जाएगा कि वो Cr3+ ही बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे तुम्हें बताओ अगर 4 रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में आई तो 4 हो जाएंगी, कोई सी भी कर लोगे। इससे पहले जो मैंने प्रिपरेशन वाला आपको मेथड याद कराया, मैंने क्या बोला है रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट की बात है, रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों को क्या याद करवाया था। मैंने कहा था कि आयरन की क्या होती है, बोलो सब बच्चे याद करने की कोशिश करो, आयरन की क्या होती है? क्रोमाइट, और उसको रिएक्ट किससे करवाते हो? फिर किससे रिएक्ट कराते हो? क्योंकि बच्चों क्रोमाइट से फिर क्रोमेट बनता है, और सोडियम वाला क्रोमेट बनेगा तो हम बोलेंगे सर सोडियम क्रोमेट बनेगा, फिर सोडियम क्रोमेट में सर जब एसिड की एंट्री होगी तो वो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, लेकिन सर मैं सोडियम डाइक्रोमेट बनाने नहीं गया था, मैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने गया था, तो बनेगा आप पोटेशियम डाइक्रोमेट। होगी प्रिपरेशन? जिस बच्चे को लगे कि सर ये कैसे, तो भैया तुम्हें पता है डाइक्रोमेट कौन होता है? Cr2O7 2- और क्रोमेट कौन होता है? जहां जहां इनकी जरूरत पड़ेगी
मैं इनके फॉर्मुले बना लूंगा। क्लास मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ये आपके एग्जाम में आएगा, आयरन की क्रोमाइट ओर। बोलो क्या है इसका? FeCr2O4 रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सोडियम क्रोमेट। बनाओगे कैसे सोडियम क्रोमेट को? Na+1 है, क्रोमेट Cr2O4- है, क्रॉस कर दो Na2CrO4 रिएक्टिंग विद एसिड फॉर्म अ सोडियम डाइक्रोमेट। इसके साथ सोडियम का क्रॉस करो, इसके साथ सोडियम का क्रॉस करो, तो सोडियम के नीचे 2 आ जाएगा, उसके नीचे 1 चला जाएगा। फिर बच्चों KCl डालो और पोटेशियम रिप्लेस करेगा सोडियम को, K2Cr2O7 हो गया कंप्लीट, हो गया प्रिपरेशन। इसी को 3 टुकड़ों में लिख देना बस, पहले स्टेप से वो, दूसरे स्टेप से ये, तीसरे स्टेप से ये काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? और पहली चीज मैंने क्या सिखाई थी आपको कि दो तरह के आयन होते हैं, डाइक्रोमेट और एक बोलो क्या, क्रोमेट। डाइक्रोमेट होते हैं Cr2O7 2-, एक बात बतोला है पूरा का लगा ही रहता है, या तो पानी भरने आता है या बातें करने आता है। डाइक्रोमेट आयन कौन है बोलो? Cr2O7 2-, क्रोमेट है Cr4 2-, दोनों की स्टेट +6। डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज, क्रोमेट का कलर येलो। बात याद रखना, क्रोमेट में एसिड डालोगे डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस डालोगे क्रोमेट। ये था पहला पेज। तो मुझे कुल मिला के बताओ भाई, क्लास डी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है और आज पहली क्लास में जो कराया गया ये एग्जाम में आता है, तो आप लोग डी ब्लॉक को कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ ही निपटा लो। बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो अपनी बढ़िया तरीके से, ये चीजें बोर्ड में भी आएंगी। तो पहले पेज पे दोनों आयंस का डिफरेंस फाइनल कर रहा हूं, एक मिनट में बादल। पहले पेज पे दोनों के दोनों आयंस का डिफरेंस, सेकेंड पेज पे प्रिपरेशंस, थर्ड पेज पे इन सब का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है? और रिएक्शन कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना ताकि मैं आगे की चीजें करा सकूँ इसके आगे, ठीक है? जाओ।